अल्लाहु रब्बी अलैही तवक्कलतु व इलैही उनीब अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुद्रिकुहुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार अल्लज़ी मन्ना अलैना बिनबीयिही दूनल उममिल मादिया वल क़ुरूनिस सालिफा सय्यद खल्क़िल खालिक حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم ويوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزيز ومحترم برادران گرامی और ख्वाहरान इमामुल मुत्तकीन की सिफात के मौजू पर सिलसिला गुफ्तगू आज अपने छठे मरहले में दाखिल हो चुका है। ये सिलसिला हुसैन इब्ने अली की देन है। ये आज़ादारी हुसैन इब्ने अली की देन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन बतहक़ीक बेशक हुसैन के कत्ल की वजह से मोमिनीन के दिलों में एक ख़ास किस्म की हरारत है, एक ख़ास किस्म की गर्मी है। ये नेमत सिर्फ़ और सिर्फ उन अफराद के पास है जिन्हें खुदा अपने फ़ज़ल से हुसैन की मोहब्बत अता करता है। रिवायात के अल्फाज हैं
कि जब खुदा किसी से खैर करना चाहता है तो उसे हुसैन की मोहब्बत दे देता है। परवरदिगार आलम का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम हुसैन के नाम पर जमा हों और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत पर गुफ्तगू कर सकें और चंद मतालब व मायूजात से इस्तिफादा हासिल कर सकें। सूरह फुरकान कुरान मजीद का 25वां सूरह है और इस सूरह की 74वीं आयत में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वल्लज़ीना यकूलून, ये इबादुर रहमान अल्लाह के नेक बंदे वो लोग हैं जो ये कहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना, परवरदिगार हमें अपने अज़वाज से अता कर, वज़ुर्रियातना और हमें अपनी ज़ुर्रियात से अता कर, क्या अता कर, क़ुर्रत आयुनिन, आँखों की ठंडक अता कर। एक मर्तबा आँखों से इंसान के आंसू जारी होते हैं वो गम के आंसू होते हैं, रंज के आंसू होते हैं, जिन्हें महावराई ज़बान में कहा जाता है गरम आंसू, गम के आंसू। चूँकि जो गम और रंज के आंसू होते हैं उनकी तबीयत गरम हुआ करती है, लेकिन जो खुशी के आंसू होते हैं, मसरूर और सुरूर के आंसू होते हैं, उन्हें कहते हैं ठंडे आंसू। उसी से ये ताबीर खुदावंद मुताल इस्तिफादा करते हुए फरमाता है, क़ुर्रत आयुनिन, परवरदिगार ये अफराद तलब करते हैं, परवरदिगार हमें अपनी अजवाज को भी, हमारे लिए हमारी अजवाज को भी और हमारी ज़ुर्रियात को भी हमारी आँखों की ठंडक करार दे, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकीन के लिए इमाम करार दे। छठे इमाम फरमाते हैं, तफसीर कुम्मी में ये रिवायत मौजूद है कि इस आयत से खासुल खास फ़कत और फ़कत जो हस्तियां मुराद हैं वो नहनु हुम अहलुल बैत, हम वो अहलुल बैत हैं जो इस आयत में मुराद हैं कि हम ही मुस्तहिक हैं इमामुल मुत्तकीन होने के। इमामुल मुत्तकीन की सिफात पर गुफ्तगू करते हुए हमने मौला की अखलाकी सिफात का मुशाहिदा किया, इबादी सिफात का मुशाहिदा किया, फ़र्दी सिफात का मुशाहिदा किया, ख़ानदानी सिफात को अपनी निगाहों से दोहराया और कल जंगी सिफात भी हमने देखी। आज इंशाअल्लाह मौला की माशरती और इज्तिमाई सिफात से इस्तिफादा करेंगे कि मौला माशरे के अंदर किन सिफात के हामिल थे। देखिए जब मौला ख़ानदान में हैं तो इतने रऊफ़ और रहीम, जैसा कि अल्लाह के रसूल के लिए फरमाया था खुदावंद मुताल ने कि अल्लाह के रसूल के साथ जो अफराद हैं, क़ुरान कहवाए मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, कि जो लोग अल्लाह के रसूल के साथ हैं वो कुफ्फार के साथ तो शदीद हैं लेकिन जब अपने दरमियान होते हैं तो रहीम और रऊफ़ और मेहरबान होते हैं। मौला बाज़ार में जाते हैं अपने घर वालों के लिए खजूर लेने के लिए, अल ख़राइज वल जराए, और तज़किरतुल ख़वास में ये रिवायत मौजूद है कि मौला खजूरों को लेकर उसके थाल को लेकर अपनी अबा के अंदर छुपाते हुए घर की तरफ आते हैं, कुछ लोग देख लेते हैं, फवसबू दौड़ कर मौला की तरफ आते हैं और आकर कहते हैं, मौला आप ये हमें दे दीजिए, हम आपके लिए इसको हमल करके इसको उठा कर आपके घर तक पहुंचा देते हैं। तो मौला फरमाते हैं, रब्बुल अयाल अहक्को बिहमलिही, कि जो घर वालों का पालने वाला है
वो ज़्यादा हकदार है, मुस्तहिक है, ज़्यादा हकदार है कि वो ख़ुद उस चीज़ को उठाए जो अपने घर वालों के लिए लेकर जाए। ये हालत नज़र आती है मौला की। एक मर्तबा मौला मछली और खजूर लेने के लिए बाज़ार में जाते हैं। अत्तम्र वल मालह रिवायत के अल्फाज हैं कि मौला अपने घर वालों के लिए वफाहत को पैदा करने के लिए और सहूलतों को मुहैया करने के लिए बाज़ार में जाते थे, और जाकर जब मछली और खजूर ले ली तो एक जुमला कहा, ला यनकुसुल कामिल बेकमाल ही मा जर्रा मिन नफ़इन इला अयालिही, कि किसी कामिल के कमाल में कोई कमी वाके नहीं होती अगर वो अपने घर वालों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए निकलता है। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा जब मौला चंद अफराद से गोश्त को ख़रीदते हैं और बाज़ार से गोश्त को ख़रीदने के बाद अपने घर वालों के लिए ले जाते हैं तो एक जुमला कहते हैं, लैसल खैर अन यकसुरा मालुका व वलदु वलाकिन्नल खैर अन यकसुरा इल्मुका व हिल्मु, कि खैर ये नहीं है कि इंसान अपने माल को ज़्यादा कर ले और कहे कि मैं अपना माल अपने पास बचा के रखूँगा, किसी के लिए खर्च नहीं करूँगा, घर वालों के लिए खर्च नहीं करूँगा। खैर ये नहीं है कि अपने माल को ज़्यादा करे, और ना ही खैर इसमें है कि वह अपनी औलाद को ज़्यादा करे। लैसल खैर, खैर इसमें नहीं है कि इंसान अपने माल को ज़्यादा करे, अपनी औलाद को ज़्यादा करे। लाकिन्नल खैर अन यकसुरा इल्मुका, खैर इसमें है कि इंसान अपने इल्म को ज़्यादा करे और अपने हिल्म को ज़्यादा करे। तो ये मौला की सीरत नज़र आती है। मौला जब बाज़ार में जाकर अनार लेते थे तो जितनी मौला की उस वक्त की अजवाज थीं और जितनी बेटियाँ थीं उस आसर में और उस ज़माने में, जितनी बहुएँ थीं सबके लिए अनार लेते थे और ख़ुद जाकर हर हर जोजा के घर में अनार तकसीम करते थे, हर बहू को जाकर अनार देते थे, हर बेटी के पास जाकर उन्हें अनार पहुंचाया करते थे। फिर ये जुमला कहते थे कि ये अली वो है कि जो खुदा की इताअत में इस कदर मशगूल है कि एक लम्हा भी फ़ुरू गुज़ाश्त नहीं करता, नहीं छोड़ता एक लम्हा भी कि जिसमें खुदा की इताअत ना हो। तो ये मौला की सीवत नज़र आती। और जंग में भी मौला की सीवत, जब कुफ्फार के साथ इतने शदीद हैं तो दो ऐसी सिफात कि जो जंग की जंगी टेक्निक शुमार होती हैं वो मौला में नज़र आती हैं कि मौला इस्तिखबार करते थे। इस्तिखबार किसे कहते हैं? ख़बर हासिल करना, दुश्मन की ख़बरों को हासिल करते थे, दुश्मनों से बाखबर रहते थे। बेखबर इंसान मोमिन नहीं हुआ करता, मोमिन ज़िम्मेदार हुआ करता है। मौला ने एक अपने सहाबी को मुकर्रर किया था जिसका नाम था कैस। वो हाकिम शाम के दरबार में बहुत आला मर्तबे पर था और ख़बरें मौला को पहुंचाया करता था, और हाकिम शाम की आवाज़ की ख़बरें पहुंचाने वाला ये शख्स मौला को इतना महबूब था कि एक मर्तबा ये हाकिम शाम की तरफ से आता है मौला के पास और आकर हाकिम शाम की ख़बरें पहुंचाता है तो मौला कहते हैं कि रहम अल्लाह, तुझे खुदा तुझ पर रहम करे कि तू दुश्मन की ख़बरें हम तक पहुंचाता है। मौला की जंगी टेक्निक थी। दूसरी टेक्निक ये थी कि जब जंग में अपने लश्कर को आमादा कर लेते थे तो एक जुमला कहते थे कि ग़ज़ू अबसारकुम, अपनी आँखों को नीची रखना। यानी मतलब ये नहीं है कि दुश्मन को नहीं देखना, बल्कि अपनी आँखों को नीचे रखने से मुराद उन चीज़ों को जिन्हें देखने से खुदा ने मना किया है उनकी तरफ निगाह ना करना। और उसके बाद कहते थे कि कलाम को अपने कम करना, कल्लिल कलामकुम, अपने कलाम को कम करना, फ़इन्नहु फशल, तुम अगर अपने कलाम को कम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। फशल कहते हैं फेल हो जाने को, नाकाम हो जाओगे, कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर कहते थे कलीलुल कलाम कसीरुल माना, ऐसा कलाम कहना कि जो कलाम की कमियत और क्वांटिटी के अतबार से तो कम हो लेकिन कसीरुल माना हो, माना के अतबार से कसीर। आज का शिया इस्तिफादा करना चाहे तो ये बेहतरीन चीज़ है कि मौला उन जुमलों को अहमियत दे रहे हैं कि जिसके अंदर
क्वांटिटी के एतबार से अल्फाज कम हो लेकिन नपे तुले अल्फाज हो, माना के एतबार से कसीर हो। तो ये मौला की सीवत नज़र आती है। और मौला जब इज्तिमा में नज़र आते हैं तो इज्तिमा में ऐसे हैं कि ग़ुलामों के साथ इतना बेहतरीन रवैया और बर्ताव कि एक मरतबा एक शख्स है जिसका नाम है अबू बतर, वो बसरा का रहने वाला है, कूफा आता है और कूफा पहुंचने के बाद एक मरतबा कूफा के बाज़ार में चक्कर लगाता है और कुछ चीज़ें लेने जाता है, हत्ता ये कि रोटी लेने के लिए एक बकाल के पास पहुंचता है। बकाल कहते हैं दुकान वाले को, एक दुकानदार के पास पहुंचता है। वहां उसे आवाज़ आती है एक शख्स की जो उसे सदा दे रहा है, ए अबी मतर। तो वो परेशान कि ये कौन है कि मैं तो बसरा का रहने वाला हूँ, ये कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है, मेरी कुनियत से पुकार रहा है। एक लम्हे के लिए पलट कर देखता है तो वो शख्स और वो हस्ती ये जुमला कहते हैं कि ए अबी मतर, अपने पाँव के पाँचों को ऊपर करो कि ये तुम्हारे लिबास के लिए ज़्यादा बेहतर है कि जब तुम बाज़ार में जाते हो तो तुम्हारे पाँचे नजिस ना हो जाएं, तुम अपने पाँचों को बुलंद करो। ये एक लम्हे के लिए परेशान होता है और पूछता है मन हाजा, ये कौन है जो मुझे ये तलकीन कर रहा है और ये हिदायत दे रहा है। तो लोग कहते हैं हाजा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अबू मतर सोचता है अन अतबाहू, आहिस्ता आहिस्ता मैं इनके पीछे पीछे चलता जाऊं। वो मौला के पीछे पीछे चलता है। मौला बाजार में कंबर के साथ जा रहे हैं। एक मरतबा उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां ऊँटों की ख़रीदो फरोख्त हो रही है। मौला ऊँटों की ख़रीदो फरोख्त करने वाले दुकानदारों के बीच में खड़े हो जाते हैं और जुमला कहते हैं इय्याकुम वल यमीनुल फासिदा, या माशरत तुज्जार इय्याकुम वल यमीनुल फासिदा, ऐ ताजिरों, ऐ वो लोगों जो तिजारत करते हो, ऐ बिजनेसमैन अफराद, ऐ वो अफराद जो ख़रीदो फरोख्त करते हो, याद रखना कि डरते रहना कि तुम कभी कोई झूठी कसम खाओ और खुदा की ऐसी कसम खाओ जिस पर तुम अमल ना कर सको और जो झूठी कसम हो। इय्याकुम वल यमीनुल फासिदा, याद रखना कि कभी झूठी कसम नहीं खाना। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहा यमहुकुल बरका व यन्फुकुस सिलअ, ये माल को तो ख़त्म कर देती है, माल तो तुम्हारा खर्च हो जाता है, माल तो तुम्हारा बिक जाता है, लेकिन यमहुकुल बरका नेमत को और बरकत को माल से दूर कर दिया करता है। ये अली ये कहने के बाद निकलते हैं। अबू मतर उनसे आगे जाता है और एक मरतबा सवाल करता है कि मौला आप इन ताजिरों के दरमियान बेहतरीन नसीहत कर रहे हैं। तो ये नसीहत सिर्फ उन ताजिरों के लिए नहीं थी, ये नसीहत हम और आपके लिए भी है कि जब इंसान ताजिर है, बिजनेसमैन है, तो भी और आम हालात में भी उन अहकामात का ख्याल रखे। हत्ता रिवायत के अंदर है कि अगर कोई शख्स तिजारत को शुरू करता है जबकि उसे तिजारत के शरई दीनी और फिकही मसाइल का इल्म नहीं है तो रसूल फरमाते हैं कि वो हलाकत में जा पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो हलाकत में जा पड़ेगा। इसके बाद मौला एक कपड़े वाले की दुकान के पास खड़े हो जाते हैं जो कपड़े बेच रहा होता है, जिसे अरबी में कहते हैं कराबीस। कपड़ों की दुकान के पास खड़े होने के बाद दुकानदार से कहते हैं या हाजा, ऐ शख्स ज़रा ये तो बताओ इंदका सौबान पे खमसत दराहिम, क्या तेरे पास कोई दो ऐसे कपड़े हैं जो पांच दिरहम में आ जाएं। वो कहता है नाम या अमीरुल मोमिनीन, हाँ मेरे पास ऐसे कपड़े हैं। फवसबा, भाग कर जाता है और दो कपड़े लेकर आता है। मौला भी मौजूद है, कम्बर भी मौजूद है और अभी मतर भी देख रहा है। इन दोनों कपड़ों को मौला पलटाते हैं। फमज़ा व तरकहू, मौला उन दोनों कपड़ों को छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं। बईद नहीं कि शायद ज़बान हाल से मौला हमें ये समझाना चाह रहे हो कि जब भी तुम बाज़ार में जाओ और कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हो तो एक ही दुकान से फ़ौरन ना ख़रीद दो, मुख्तलिफ़ दुकानों के चक्कर लगाओ
कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कीमत में कोई शख्स महंगी कीमत में कोई चीज़ दे दे या ये कि बुरी चीज़ दे दे। मौला दूसरी दुकान पर जाते हैं और दूसरी दुकान पर जाने के बाद मौला एक मरतबा कहते हैं आइंदका सौबान बे खमसत दवाहिम, ए दुकानदार क्या तुम्हारे पास दो ऐसे लिबास हैं कि जो पाँच दिरहम में आ जाएं? तो वो कहता है नाम यामीरुल मोमिनीन अहदहुमा अखयरु मिनल आखर, इसमें से एक ज़्यादा महंगा है दूसरे से। वाहिदुन बे सलासत दवाहिम वल आखर बे सानियत दवाहिम, कि दो ऐसे दो लिबास हैं, इसमें से एक वो है कि जो तीन दिरहम का है और दूसरा वो है कि जो दो दिरहम का है। तो मौला कहते हैं इसनान दिरहम, जो दो दिरहम वाला है वो दिखाओ, दो दिरहम वाले लिबास को देखते हैं। फिर सलासत दिरहम, तीन दिरहम वाले लिबास को देखते हैं, और जब इन दोनों लिबासों को देखते हैं जिसमें से एक ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा कीमती होता है, तो कंबर से कहते हैं या कंबर खुज हाज़ल लज़ी बि सलासत दिरहम, ए कंबर तुम वो वाला लिबास पहनो कि जो तीन दिरहम पर मुश्तमिल है, तीन दिरहम के अंदर मैंने ख़रीदा है। तो कंबर कहते हैं या अमीरुल मोमिनीन अंता औला बिहादा, ए अमीरुल मोमिनीन आप तो इसके ज़्यादा हकदार हैं कि आप तो मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते हैं, आप तो खिताबत करते हैं, आप तो लोगों से खिताब करते हैं, आप इस तीन दिरहम वाले लिबास के ज़्यादा हकदार हैं। तो मौला उस वक्त ये जुमला कह सकते थे कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं VIP हूँ, मैं सियासतदान हूँ। आज का सियासतदान ये सोचता है कि वो ख़ुद बेहतरीन नज़र आए और उसके नीचे काम करने वाले अफराद जितना भी कस्मा पोसी के आलम में हो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन मौला ये जुमला भी नहीं कहते कि ए कंबर तुम गुलाम हो, ये जुमला भी नहीं कहते, बल्कि कहते हैं या कंबर अंत शाब तुम जवान हो, व लका शिवतु शबाब, ए जान ए कंबर तुम एक तो ये कि जवान हो और तुम्हारे पास जवानी की ख्वाहिशात भी हैं। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल से मैंने ये जुमला सुना था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अलबिसूहुम लिबासकुम, तुम उन्हें वही पहनाओ कि जो खुद पहनते हो, वही खिलाओ कि जो तुम खाते हो। तो ये अली वो है कि जो अल्लाह के रसूल के हुक्म के इताअत के अंदर गुलामों और अपने दरमियान इस फ़र्क के लिए भी कायल नहीं है कि वो लिबास जो ख़ुद के लिए पसंद करे वो गुलाम को ना दे। एक मरतबा जुमला कहते हैं इन्नी अस्ताही, मैं शर्म महसूस करता हूँ कि मैं ख़ुद तो बेहतरीन लिबास पहनूँ और अपने गुलाम कंबर को काम काज का मामूली लिबास पहनाऊँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये मौला की इज्तिमाई हालत है, इज्तिमाई सिफत है। और एक मरतबा मौला यतीमों की खबरगीवी के लिए जब निकलते हैं तो ये इमाम वो इमाम है कि खाने काबा के पास हज करते हुए एक शख्स ये कहता है कि मैंने देखा कि दो ख़वातीन हैं जो खाने काबा के पास जाकर गुफ्तगू कर रही हैं। जैसे मामूलन ख़वातीन एक दूसरे से बहस मुबाहिसा करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, तो वैसे वो एक दूसरे से बहस कर रही थी, गुफ्तगू कर रही थी। कहा कि मैंने देखा ये दोनों गुफ्तगू कर रही हैं, इसमें से एक दूसरे को कसम देती है कि नहीं ला वल्ला, खुदा की कसम जो तुम कह रही हो वो सही बात नहीं है, बल्कि फिर उसके बाद कसम खाती हैं। वो औरत कसम खाती है एक और हस्ती की, ला वल्ला खुदा की कसम जो तुम कह रही हो वैसी बात नहीं है, जो भी दरमियान में इनके गुफ्तगू थी, कहा कि खुदा की कसम वैसी बात नहीं जैसी तुम कह रही हो, और उस हस्ती की कसम कि जो ज़मीन और आसमान में सबसे ज़्यादा खुदा और रसूल के नबी, खुदा और उसके नबी के बाद सबसे ज़्यादा रऊफ़ और रहीम है, वो हस्ती और उस हस्ती की कसम कि जिसकी जौजा सैदा हैं, और वो हस्ती और उस हस्ती की कसम कि जो कभी भी किसी शख्स को भूखा नहीं छोड़ते। तो जो शख्स इसे देख रहा था वो एक मरतबा पूछता है कि ए खातून तुम किसकी नाक पढ़ रही हो, किसका कसीदा पढ़ रही हो, किसकी तमजीद कह रही हो, किसकी तमहीद कह रही हो? तो खातून कहती है कि मैं उसकी तमहीद और तमजीद कह रही हूँ कि जो कसीमुन नावे वल जन्ना है, जन्नत और जहन्नत की, जन्नत और जहन्नुम की तकसीम उनके हाथ में है, साकी कौसर हैं,
कौसर का पानी पिलाने वाली हस्ती वो हैं, और ये वो हैं कि जो बतूल, ज़किया, रज़िया, मर्ज़िया के शौहर हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वो कहता है कैफ़ा तारफ़ीनहू, तुम उस हस्ती को कैसे पहचानती हो? तो वो कहती है कि मैं उसे कैसे ना पहचानूं कि जब मेरे बाबा सिफ़ीन में उनकी हमराही में शहीद हो जाते हैं तो यही वो हस्ती थे कि जो मेरे घर पर आते हैं और मेरी माँ से ये पूछते हैं कि कैफ़ अहवालुकी की, कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, तुम्हारे घर की हालत कैसी है? तो वो कहती है या अमीरुल मोमिनीन अना बखैर, मैं खैरियत से हूँ। उसके बाद अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को वो एक जगह से जहाँ छुपाया हुआ था ताकि कोई नामहरम उन पर दस्तदराज़ी ना कर सके, उन्हें बाहर निकालती है, जिसमें से मैं वो होती हूँ कि जो चेचक का मरीज़ होती हूँ, जिसकी वजह से मेरी आँखें ज़ाया हो चुकी होती हैं और मैं देख नहीं पाती हूँ और मेरी आँख पर एक दाना बहुत बड़ा हो चुका होता है, तो मैं बहुत मुश्किल से बाहर आकर मौला के पास आती हूँ। मौला जब इन दोनों को देखते हैं तो एक मर्तबा आह की आवाज़ निकालते हैं और उस पर पूरा एक शेर पढ़ते हैं कि ये अली वो है कि जिसने ज़िंदगी भर, मैं आपको तर्जुमा करके बता रहा हूँ, ये अली वो है कि जिसने ज़िंदगी भर किसी मुसीबत पर तआवो यानी आह नहीं खींची, सिर्फ उस वक्त खींची और आह का जुमला कहा, आह का लफ्ज़ कहा, अफसोस किया उस वक्त तकलीफ़ करते हुए आह कहा कि जब देखा कि दो ऐसे छोटे बच्चे हैं कि जिनका एक बाप हुआ करता था कि जो सफ़र में भी और हज़र में भी उनका निगहबानी और उनका ख्याल रखता था, लेकिन वो अली की हमराही में सफ़ीन में शहीद हो जाता है। फिर मौला मेरे चेहरे के ऊपर अपना दस्ते मुबारक मलते हैं, कुछ ही लम्हा गुजरा होता है कि मैं देखने के काबिल हो जाती हूँ, बीना हो जाती हूँ, और आज मैं इतना बीना हूँ कि जवान होने के बाद अगर अंधेरी रात में कोई आवारा ऊँट भी हो तो मुझे नज़र आ जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौला की तो ये सीवत है कि वो यतीमों का ख्याल रखते हैं। क्या हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं है? क्या हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है अली का शिया होते हुए? 1980 के बाद कितने शिया ख़ानदान यतीम हो गए, कितने शोहदा के ख़ानदान यतीम हो गए। उन पर दस्ते शफ़क़त रखना किसी और की नहीं, अली के शिया की ज़िम्मेदारी है कि जो कुछ कर सकता हो, अगर माली मदद नहीं कर सकता तो कम से कम मॉरल सपोर्ट तो कह सकता है, सर पर दस्ते शफ़क़त तो रख सकता है, ना ये कि उसे उसके हाल पर छोड़ दे। मौला की यतीमों की खबरगीरी के एतबार से इतनी बेहतरीन सीवत रही है कि कूफा में हमदान और हलवान से, देखिए हमदान का शहद मशहूर है और हलवान का तीन कहते हैं अंजीर को, हलवान से अंजीर आता है और हमदान से शहद, बड़े बड़े कासे भर कर, बड़े बड़े ज़ैफ़ भर कर आता है मौला के पास। मौला जुमला कहते हैं कि अक्सिमु हाज़िहिल अक्यास, इन तमाम चीज़ों को तकसीम कर दो। फिर उसके बाद कहते हैं या औरफा, ऐ वो अफराद कि जो लोगों के घरों के हालात को जानते हो, मुझे यतीमों की निशानदही करो और यतीमों को ऐलान करो कि जो भी यतीम चाहता है वो आए और अपने हाथों से इन ज़ुरूफ से शहद को निकाले और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन बाकी तमाम आवाम और तमाम अफराद को कहते हैं कोई भी इन ज़ुरूफ को हाथ नहीं लगा सकता, अली अपनी मर्ज़ी इंसाफ और अदालत के साथ बराबर बराबर सबके सामने सबको उनके प्याले के अंदर कदहन फ़कदहन एक एक प्याला तकसीम करेगा, उससे ज़्यादा किसी को लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यतीमों को इजाज़त दी कि वो ख़ुद आकर अपने चमचों की मदद से शहद को लें। एक मरतबा एक शख्स आता है और कहता है मौला ये कैसी तफरीक है कि आपने बाकी तमाम अफराद को तो
इसे हाथ लगाने की इजाज़त ना दी, लेकिन यतीमों को और इन बच्चों को आपने इजाज़त दी कि वो ख़ुद अपने हाथों से चम्मच से इस शहद को लेकर अपने प्यालों में डालें और जितना चाहे ले जाएं। तो मौला कहते हैं उन अफराद की बात क्या हो कि जिनके आबा जिंदा हैं, जिनके वालदैन जिंदा हैं, उन बच्चों की बात क्या हो जिनके वालदैन जिंदा हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके बाप या तो शहीद हो चुके हैं या दुनिया से जा चुके हैं। ये अली उनको ये महसूस करवाना चाहता है कि देखो अगर वो चले गए तो क्या हुआ, अबुल यतामा उम्मत का बाप जिंदा है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम पर दस्ते शफकत रखेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकअल्लाह। मौला उस सीवत का पैकर है कि जिस सीवत के लिए कुरान में सूरह निसा की चौथा सूरह है 54वीं आयत है, अम यहसुदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह लकद आतैना आला इब्राहीम अल-किताब वल-हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। क्या लोगों को ये हसद होता है कि हमने आले इब्राहीम को इतनी नेमतों और फजीलतों से क्यों नवाजा, बेशक हमने आले इब्राहीम को किताब अता की, हिकमत अता की और बेहतरीन सल्तनत अता की। तो एक मरतबा मौला से पूछा गया, मौला सूरह निसा की इस 54वीं आयत में क्या मुराद है, कौन लोग मुराद हैं? तो मौला फरमाते हैं नाहनु अहलुल बैत, हम वो हस्तियां हैं कि जो इससे मुराद हैं। इस आयत में आले इब्राहीम से मुराद हम अहले बैत की ज़ात है, किताब से मुराद आसमानी किताबें हैं, हिकमत से मुराद सुन्नत है और मुल्क अजीम से मुराद हम अहले बैत की तमाम दुनिया पर खिलाफत व इमामत है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अली खिलाफत व इमामत के पैकर वो अपने बुलंदी के बावजूद सीवत के एतबार से भी इतनी बुलंदी पर नज़र आते हैं कि एक मरतबा फरमाते हैं नहनु असरारुल्लाह, हम अल्लाह के राजों में से एक राज हैं, बिना उरिफल्लाह व बिना उबिदल्लाह, हमारे ज़रिए से अल्लाह की मारिफत हासिल की जाती है और हमारे ज़रिए से अल्लाह की इबादत की जाती है। लौलाना मा उरिफल्लाह, अगर हम ना होते तो खुदा की मारिफत करवाने वाला कोई ना होता, कोई खुदा की मारिफत हासिल ना कर सकता। वलौलाना मा उबिदल्लाह, अगर हम ना होते तो खुदा की इबादत करने वाला कोई ना होता है। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि तुम जो भी खूबी देखना चाहते हो, जो भी खूबी का मुशाहिदा करते हो, वो हम अहले बैत में है सिवाय खुदा की खुदाई के। फिर फरमाते हैं नज़्ज़हूना अने रुबूबिया व कूलू फीना माशे, तुम जो खूबी देखते हो, जो खूबी सोचते हो, वो सब हम में है, तुम बस खुदा की खुदाई की एक हद को रखो, वो खालिक एक मुतलक है, राज़िक के मुतलक है, उसकी रुबूबियत का इकरार करो, हमें रुबूबियत के हद से नीचे रखो। फिर उसके बाद कूलू फीना माशे, तुम जो खूबी तुम सोच सकते हो, कमाल तुम सोच सकते हो, इंसान कामिल कोई है तो अहले बैत की ज़ात है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहीद मुतहवी फरमाते हैं कि अगर इंसान की इंसानियत के कमाल को देखना हो तो कोई और घराना नहीं है, अहले बैत का घराना है। कि ऐसा कमाल जिसे आप कहें 100% 100% कमाल अहले बैत में नज़र आता है, अखलाकी सिफत हो, ख़ानदानी सिफत हो, जो सिफत आप लेकर आइए वो मौला में आपको खूबी है तो नज़र आएगी। मौला इज्तिमाई सिफत के एतबार से एक और सिफत के हामिल जिसका मैं आपसे आज तज़किरा करना चाहता हूँ, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। एक दफ़ा मौला एक जगह पर
कुर्सी पर तशरीफ़ फरमाएँ कि मौला के एक सहाबी आते हैं और आकर कहते हैं कि मौला आप यहाँ पर क्यों तशरीफ़ फरमाएँ। मौला कहते हैं यहाँ पर मुझसे एक मज़लूम अपने पर हुए हुए जुल्म की शिकायत करने के लिए आएगा। थोड़ी ही देर गुजरती है, एक खातून दौड़ती हुई आती और कहती है या अमीरुल मोमिनीन मुझ पर जुल्म होता है, मुझ पर तशद्दुद होता है, मुझे बचाइए। मौला कहते हैं कि क्या जुल्म होता है, क्या तशद्दुद होता है? तो वो कहती है कि मेरा शौहर मुझ पर जानवरों से भी बदतर सलूक करता है और कभी कभार तो गरम लोहे की सलाख से मुझे पीटता है। मौला एक लम्हे के लिए खड़े होते हैं और तेज़ी के साथ इस खातून के साथ उसके घर पर जाते हैं और कहते हैं कि खातून अपने घर का पता बताओ। दक्कुल बाप करते हैं, एक शख्स आता है अपनी आस्तीनों को चढ़ाते हुए और आकर कहता है मन अंता, तुम कौन हो? तो मौला जवाब देते हैं मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। वो कहता है कि तुम्हें क्या काम है? एक तौहीन वाले अंदाज में ये पूछने के बजाय आपको क्या काम है, वो कहता है तुम्हें क्या काम है? मौला जवाब देते हैं कि तुम इस खातून पर जुल्म करने से बाज आ जाओ, इस खातून पर तशद्दुद करने से बाज आ जाओ। वो एक मर्तबा कहता है कि ये मेरी जौजा है, मैं इसे जिस तरीके से जिस रवैये से रखना चाहूँ रखूँगा। आज भी बाज़ ऐसे अफराद नज़र आते हैं, खुदा से पनाह मांगनी चाहिए कि इंसान किसी पर बेजा जुल्म करे। मौला से वो कह रहा है कि मेरी मर्ज़ी में जिस तरीके से भी रखना चाहूँ। ये मेरी मर्ज़ी के अल्फाज ये ख़तरनाक अल्फाज हैं। आज आपको माशरे में ऐसे अल्फाज नज़र आते हैं कि जो भी हो ये हमारी मर्ज़ी है, लेकिन मौला को ये चीज़ पसंद नहीं है। मौला कहते हैं ये खुदा की मखलूक है, मैं तुझे दोबारा तंबीह करता हूँ कि तू अपने अमल से बाज आ जा। तो वो एक लम्हे के लिए जुमला कहता है कि मैं अपने घर वालों के साथ जैसा सलूक करूँ आपको मेरे घर में दखालत करने का हक़ नहीं है। मौला पलटते हैं, कूफा में जा की मस्जिद कूफा में जाते हैं, एक कोड़ा उठाते हैं, साथ में तलवार उठाते हैं, बग़ैर नियाम के तलवार को अपने कांधों पर लटकाते हैं, बाएं हाथ के अंदर कोड़ा लेते हैं और तेज़ी से दौड़ते हुए इस शख्स के पास आते हैं और एक जुमला कहते हैं। मौला का ये जुमला है इन्नी आमिरुका बिलमारूफ व अनहाका अनिल मुनकर, मैं तुझे अमर बिलमारूफ कह रहा हूँ और नहीं अनिल मुनकर कह रहा हूँ, और तू ये कह रहा है कि मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ ज़िंदगी गुजारूँ। अगर तूने इस खातून पर जुल्म ना रोका तो आज अली इब्न अबी तालिब की तलवार होगी, ये कोड़ा होगा और तेरी गर्दन और तेरा बदन होगा। ये शख्स लवजने लगता है, कूफे के तमाम अफराद आ जाते हैं और कहते हैं या अली रुक जाइए, ए अबुल हसन रुक जाइए, आप इस कदर गजबनाक क्यों हो गए? तो मौला जवाब देते हैं कि जो शख्स खुदा की तरफ से और खुदा के नुमाइंदे की तरफ से या किसी भी तरफ से, देखिए वहाँ मौला ने सिर्फ हुज्जत खुदा नहीं कहा, कहा कि जो शख्स भी खुदा की जानिब से या खुदा की हुज्जत की जानिब से या किसी और जानिब से हुज्जत तमाम होने के बाद कजवी इख्तियार करे और उसे कोई अमर बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे, और वो अपनी हट दहमी की वजह से उसे कहे कि जो तुम चाहो करो, मुझे तुमसे गरज नहीं और तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, तो याद रखना कि ये अली वो है कि जिसने आज दिखा दिया कि अगर कोई इतनी हट दहमी करने वाला हो तो अली की तलवार होगी और उसकी गर्दन होगी। वो लवजने लगता है, कांपते हुए मौला के कदमों में गिर पड़ता है और कहता है कि मौला आज के बाद मैं कभी अपनी जौजा पर जुल्म नहीं करूँगा। मौला उस वक्त जुमला कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वक्तन हक्का, तमाम तारीफ़ें उस खुदावंद मुताल के लिए हैं कि जो बेशक और हकीकत में उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है, और मैं अली आज वो हूँ जिसने खुदा के इस हुक्म की पैरवी की, जो कुरान में ये जुमला है कि जब लोगों के दरमियान मुनाकशा हो जाए तो उनके दरमियान इसलाह करो। तो ये अली अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हुए नजर आते हैं। अज़ादारों
यही अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर उनका फर्जन भी करते हुए नज़र आता है कि जब इबन ज़ियाद मौला को बुलाता है और मौला हुसैन से कहता है कि आप यजीद की बैत कर लीजिए, तो एक मरतबा इबन ज़ियाद ने अपने ख़त के ज़रिए से मौला से कहा होता है, मौला उस वक्त एक जुमला कहते हैं कासिद से जो ख़त लेकर आया था और इबन ज़ियाद का पैगाम पहुंचाया था कि आप बैत कर लीजिए, वो एक जुमला कहते हैं कि मैं निकला हूँ किस लिए, उरीदू आमुरु बिलमारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरु बिसीरत जद्दी रसूलुल्लाह, कि मैं हुसैन निकला हूँ अमर बिलमारूफ के लिए और नहीं अनिल मुनकर के लिए, और मैं चाहता हूँ कि अपने जद रसूल की सीरत पर अमल पैरा हो। ये कौन हुसैन है? ये वो हुसैन है, आज शबे सात मुहर्रम आ गई, सात मुहर्रम का दिन वो दिन था कि जब इबन ज़ियाद ने उमर इबन साद को ख़त लिखा। क्या ख़त लिखा? ख़त लिखा कि ए उमर इबन साद, फुरात पर अपने पहरेदारों को बिठा दो, हुसैन के लश्कर में कोई शख्स भी पानी के पास पहुंच ना पाए। बस उमर इबन साद ने 500 अफराद को फुरात के किनारे मुकर्रर कर दिया, और एक शख्स आता है जिसका नाम है इबन हसीन, वो आकर हुसैन से कहता है ए हुसैन, आप अब तक तो पानी को आसमानी रंग में देख रहे थे, खुदा की कसम आप तक फुरात के पानी का एक कतरा ना पहुंच सकेगा। मौला उसे अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं और कहते हैं कि तुम रुक जाओ ऐसे अमल से कि जो यजीद के अजदाद ने किया था, तुम रुक जाओ ऐसे अमल से कि जो नारवा है नाजेबा है। वो कहता है नहीं, खुदा की कसम आप इस आब फुरात से एक कतरे से भी सैराब ना हो सकेंगे। मौला उस वक्त उसे जुमला कहते हैं कि परवरदिगारा तू इस शख्स को प्यासा जिंदा रख और मौत भी प्यास की हालत में दे। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम कहता है कि बस थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ये इबन हसीन कर्बला के मुख्तलिफ मकामात पर जाता था कि कोई मुझे पानी पिला दे, फुरात का पानी पीता जाता था इतना पानी पिया उसने कि उसका पेट फूल गया, लेकिन फिर भी उसकी प्यास ना बुझी, यहाँ तक के कि वो इसी प्यास की हालत में जहन्नुम वासिल हुआ। तो ये हुसैन वो थे कि जिनकी दुआ भी और जिनकी बददुआ भी एक लम्हे का इंतज़ार नहीं करती, फौरन इस्तिजाबतुद दावा होती है, कबूल होती है। वो हुसैन जब उनके पास एक बच्चा आता है और बच्चा आकर कहता है कि चचा जान मुझे भी जंग की इजाज़त देंगे, मौला हुसैन फरमाते हैं कि ऐ बच्चे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाल, मैं तुझे कैसे जंग की इजाज़त दे सकता हूँ। ये बच्चा कोने में चला जाता है और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। शबे आशूर आती है, हुसैन नमाज मगरिबैन के बाद एक एक करके तमाम शुहदा की फहरिस्त पढ़ते हैं कि अली अकबर भी शहीद होंगे, हबीब इब्ने मज़ाहिर भी शहीद होंगे, मुस्लिम इब्ने औसजा भी शहीद होंगे, जुहैब इब्ने कैन भी शहीद होंगे। एक लम्हे के लिए ये बच्चा सोचता है कि मौला हुसैन ने मेरा नाम ना लिया। आज़ादारों, ये कैसे बच्चे हैं और ये कैसे कर्बलाई ख़ानदान वाले हैं। आप अगर कहीं अपने ख़ानदान वालों के साथ हों और कहीं पर फंस जाएं, कहीं पर परेशान हो जाएं, जहां आपको ये कहा जाए कि अगर आप में से कोई शख्स भी है जो इस चीज़ के लिए आमादा हो कि वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो, तो उसको आज हम एक एक करके सबको मौत का परवाना देंगे, एक एक करके सबका नाम लिया जाए, लेकिन किसी शख्स का, किसी बच्चे का, किसी जवान का नाम ना लिया जाए। तो वो जवान ये कहता है कि आज मैं बच गया, वो ये सोचेगा खुदा का शुक्र है कि मैं बच गया, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन ये कर्बला के जवान कैसे जवान हैं, कैसे
अजीम हस्तियां हैं कि एक लम्हे के लिए परेशान हो जाता है, गिरिया शुरू करता है, आता है, आकर कहता है चचा जान क्या इस फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है। एक लम्हे के लिए हुसैन उसे देखते हैं, घूर कर देखते हैं और पूछते हैं ए कासिम तुझे मौत कैसी महसूस होती है। कासिम जवाब देते हैं अहला मिन अल असल शहद से ज़्यादा शीरीन महसूस होती है। कासिम से हुसैन कहते हैं ए मेरे भतीजे हाँ इस फहरिस्त में तेरा भी नाम है और छोटे अली असगर का भी नाम है। कासिम सुनते परेशान हो जाते कहते हैं चचा जान क्या अश्किया खेमों पर हमला कर देंगे, अली असगर को खेमों में शहीद कर देंगे। मैं कहूँगा कासिम आपसे इस मरतबा बर्दाश्त ना हुआ कि खेमों पर अश्किया हमला कर दें, लेकिन आए आपकी जद्दा मदीना है, दरवाज़ा गिरता है, अश्किया दाखिल होते हैं, सिदा आती है सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्ना सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। कासिम से हुसैन कहते हैं नहीं बेटा कासिम, लोग खेमों पर हमला करके असगर को शहीद ना करेंगे, मैं खुद असगर को ले जाऊंगा ताकि कोई इसे एक घूट पानी से सहवाब कर दे, लेकिन एक तीर आएगा जो असगर के सूखे गले पर पेवस्त हो जाएगा। कासिम गिरिया करते हैं आशूर का दिन आता है। कासिम सोचते हैं कि मैं किस तरीके से अपने चचा के पास जाऊं। एक मर्तबा चचा के पास जाकर कहते हैं चचा जान मुझे इजाज़त दीजिए। हुसैन कहते हैं बेटा भी रुक जाओ, दोबारा जाते हैं, दोबारा कहते हैं बेटा भी रुक जाओ। कासिम को हुसैन इजाज़त नहीं देते। एक लम्हे के लिए कासिम खैमे के कोने पर तलवार के दस्ते को पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि चचा जान मुझे इजाज़त क्यों नहीं देते। एक लम्हे के लिए अपने सीने पर हाथ रखते हैं, तावीज़ याद आता है, ये वो तावीज़ था कि जो हसन मुश्तबा ने बेटे को दिया था और कहा था बेटा जब तुम्हारे चचा तुम्हें इजाज़त ना दें तो इस वसीयत नामे को खोल देना। कासिम इस वसीयत नामे को खोलते हैं, लिखा होता है ए कासिम याद रखना हुसैन इब्ने अली के सामने उसके भाई की लाज रख लेना, मैदान से जिंदा वापस ना आना, जब तक रमक बाकी रहे जंग लड़ते रहना। कासिम पढ़ते हैं आगे लिखा होता है ए हुसैन मेरे बेटे कासिम को जब वो इजाज़त तलब करने आए इजाज़त दे देना। कासिम दौड़ते हुए वसीयत नामा लेकर हुसैन के पास पहुंचते हैं। हुसैन कासिम से वसीयत नामे को लेते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं कासिम तुम ये वसीयत नामा लाए हो या मौत का परवाना लाए हो। कासिम को इजाज़त देते हैं और अपने हाथों से सजाते हैं। कासिम से कहते हैं अपनी माँ से इजाज़त ले लो। कासिम फैवा के पास आते हैं और कहते हैं अम्मा मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त मिलती है, मौला हुसैन आते हैं, कासिम को अपने हाथों से अमामा पहनाते हैं। एक सिवा दाएं शाने पर, दूसरा सिवा बाएं शाने पर। आज़ादारों आपको मालूम है कि इस तरीके से अमामा कब बांधा जाता है। अमामा तालीमात इस्लामी के मुताबिक उस वक्त इस तरीके से बांधा जाता है जब किसी की मौत हो जाती है तो अगर वो मर्द है तो कफन पहनाते वक्त उसके सर पर अमामा बांधा जाता है। दाएं शाने पर एक सिवा, बाएं शाने पर दूसरा सिवा। बईद नहीं कि हुसैन ये इशारा
देना चाहते हो। कासिम तुम तो जा रहे हो मगर तुम्हें कफन मयसर ना आएगा, ये अमामा पहन लो। बंदे लिबास को शक करते हैं, गिरेबान को चाक करते हैं, कासिम से कहते हैं जाओ कासिम खुदा हाफिज। कासिम घोड़े पर सवार होते हैं, बेहतरीन तरीके से दादे शुजात वसूल करते हैं। उमर इब्ने साद कहता है कि कोई ऐसा नहीं जो हसन मुश्तबा के लाल को नेजा मारे। एक शकी आगे बढ़ता है, कासिम को नेजा लगता है, हाथों पर तीर लगता है, कासिम घोड़े पर डगमगा कर जैन से जमीन पर आते हैं, जमीन पर गिरते हैं, कहते हैं या मती अदरकनी, चचा जान मेरी मदद को आइए। हुसैन दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, कासिम तक पहुंचना चाहते हैं। इधर के घोड़े मैसरा की तरफ, मैसरा के घोड़े मैमना की तरफ, हुसैन कासिम तक पहुंचने की सदा देते हैं। या कासिम पहुंचना चाहते हैं। जब पहुंचते हैं तो एक लम्हे के लिए देखते हैं कासिम के टुकड़े, कासिम के टुकड़ों को अपनी आबा में जमा करते हैं और लाना चाहते हैं कि किस तरीके से इन टुकड़ों को, इन बिखरे आजा को कासिम के बदन के अज़ा को किस तरीके से खैमों की तरफ ले जाए। एक मर्तबा अबा के दामन में कासिम के टुकड़ों को ले जाना चाहते हैं, बनी हाशिम के नौजवानों को सदा देते हैं, आते हैं और कासिम को अकबर के बराबर में, जहां अकबर की कब्र होगी वहां दफन करना चाहते हैं। लेकिन सोचते हैं कि माँ को कैसे बताएं। एक लम्हे के लिए एक जुमला कहते हैं कि ऐ दोस्तों, ऐ बनी हाशिम के जवानों, जाओ सैदानियों से कह दो हसन मुश्तबा की मीरास आ गई है। अला लअनतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَ بِحُسَيْنٍ।